सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में 6 मैचेस होस्ट किए हैं, जिसमें से 5 बार टॉस जीतने वाली टीम ने पहले फील्डिंग चूज की है। टॉस जीतने पर मैच जीतने का परसेंटेज 50% है और इस वेन्यू पर टूर्नामेंट में पहली इनिंग्स का एवरेज स्कोर 120 है और दूसरी इनिंग्स का एवरेज स्कोर 106 है। एंटीगा में हाईएस्ट टी20 स्कोर 197 है, जो साउथ अफ्रीका ने यूएसए के खिलाफ इस टी20 वर्ल्ड कप में बनाया था। इंटरेस्टिंगली, एंटीगा में लोएस्ट टी20 स्कोर भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में ही रिकॉर्ड हुआ था, जब ओमान को इंग्लैंड ने 47 रन्स पर ऑल आउट कर दिया था। एंटीगा की पिच बैलेंस्ड है और यहाँ बैटर्स और बॉलर्स दोनों के लिए मदद है। बैटिंग आसान होगी क्योंकि यहाँ का बाउंस ट्रू है। West Indies are unlikely to change the playing 11 that featured in the match against USA. Shai Hope opening the innings has clicked for the West Indies and they may not bring back Brandon King. The South Africans would also stick to the same playing 11 unless they would like to replace Raza Hendricks in the opening slot.